नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 संस्कृत के चतुर्थ पाठ है, जिसका नाम है शिशु लालनम के पार्ट 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। और अगर आपने इसे पिछली वीडियो में इसकी पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसके दोनों पार्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहे तो आपको इस चैप्टर के रिविज़न की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और साथ में पार्ट 2 में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले राम सोचते हैं कि जिस तरह से इनकी माँ इन्हें डांटती है, कैसे डांटती है कि निर्दयी के पुत्रों कहकर डांटती है, उसी तरह जो भी मेरे बच्चे होंगे सीता भी उन्हें निर्दयी के पुत्रों के नाम से डांटती होगी, क्योंकि उन्होंने भी सीता को निष्कासित कर दिया था। ऐसा वो सोचते हैं। और सोचते सोचते आगे वो बोलते हैं, राम अतिदीर्घ प्रवासय दारुण छ, यानी क्या हो कहना चाह रहे हैं, अतिदीर्घ बहुत लंबा है, क्या लंबा है, प्रवास बहुत लंबा है, यहाँ पर प्रवास बहुत लंबा है, और दारुण छ और कठोर भी है, यानी कि वो बोल रहे हैं यहाँ प्रवास बहुत लंबा और कठोर है। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो लवकुश के ऊपर बोल रहे हैं कि इनके बारे में डिटेल निकालना तो कितना कठिन हो रहा है, मुझे कितनी पीड़ा हो रही है। पीड़ा क्यों हो रही है, जब वो उनकी माता के बारे में पूछते हैं कि ओ उनके पति का क्या नाम है, तो वो क्या कहती है, निर्दयी के पुत्र, यानी कि उनको इस बात से काफी दुख होता है कि इनको डांट पड़ती है और उनका जीवन किस तरह व्यतीत हो रहा है। तो इस बात को सुन के काफी वो दुख हो रहे हैं और वो सोच रहे हैं आगे मैं प्रश्न कैसे पूछूं, मुझे इनकी इतनी बातों से इतना दुख हो रहा है। तब आगे क्या होता है, तब आगे ये होता है, विदूषकम अवलोक्य जानानितिकम, यानी कि विदूषक को देखकर वो संकेत करते हैं, यानी कि अब वो खुद तो बोलना नहीं चाह रहे हैं राम, तो वो क्या करते हैं, विदूषक को इशारों में बुला लेते हैं, क्योंकि अगर बोल के बुलाते तो लवकुश उन्हें देखते तो उन्हें क्या होता, शक होता, ये क्यों बुला रहे हैं, हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। तो इस तरह वो क्या करते हैं, विदूषक को बुलाते हैं इशारों में। जब विदूषक पास आ जाता है तो क्या होता है, कौतूहलेन आविष्टो मात्रम अनयो नाम तो विदुतुम इच्छामि, यानी कि क्या हो गया, कौतूहलेन आविष्टो, जिज्ञासा से घिरा हुआ मैं, यानी कि जिज्ञासा क्या होती है, मन के अंदर जो आती है, मैं जानना चाहता हूँ, जिज्ञासा से घिरा हुआ मैं अनयो इन दोनों की, मातरम माता का, नाम तो नाम वेद तुम इच्छामि, इन दोनों की माता का नाम जानना चाहता हूँ, यानी राम कह रहे हैं मैं अब जिज्ञासा से घिर चुका हूँ और मैं इन दोनों की माता का नाम जानना चाहता हूँ, लेकिन क्या हो गया, लेकिन ये हो गया, ना युक्त चा स्त्री गतम अनूर योक्तम, यानी कि पर यह सही नहीं है, ना युक्त चा मतलब यह सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, स्त्री गतम स्त्रियों के संदर्भ में, स्त्रियों के बारे में अनुयोक्तम पूछना सही नहीं है, विशेषतः खास तौर से तपोवने तपोवन में, यानी जंगल में रहने वाली स्त्री के बारे में जो गुरु के पास रहती है उसके बारे में पूछना बिल्कुल भी सही नहीं है, और मौत मैं तो एक राजा हूँ तो मेरे लिए तो यह पूछना एक महान पाप है। तो आगे क्या होता है, का अत्र अम्भु प्राय, इसका संधि विच्छेद क्या है हमारे यहाँ पर, तत, देखिए तत हमारे यहाँ पर है, का अत्र अम्भु प्राय, तब क्या होता है, विदूषक बोलते हैं तो यहाँ क्या उपाय है, विदूषक से बोलते हैं तो यहाँ क्या उपाय है, कोई रास्ता बताओ मुझे, तो आप विदूषक बोलेंगे आगे, विदूषक बोलते हैं, देखिए यहाँ पे तो हमने दिखा दिया, यहाँ पे राम क्या कह रहे हैं, कौतूहलिन वश में मैं इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ, स्त्रियों के लिए उचित नहीं है मेरे बारे में बोलना, तो विशेषतः तपोवन में रहने, तो यहाँ क्या उपाय है, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं वो। अब विदूषक बोलता है, जाननी तर्कम, यानी कि क्या हो गया, संकेत ही संकेत में विदूषक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अह पुनः पश्चामी, मैं पूछ लेता हूँ, यानी वो कहते हैं कि अगर आप नहीं पूछ सकते, आप एक राजा हैं, आप स्त्रियों के बारे में पूछेंगे तो पाप लगेगा, तो मैं पूछ लेता हूँ, मैं तो एक जोकर हूँ, और अगर मैं पूछूंगा तो लवकुश को बुरा भी नहीं लगेगा, मैं तो मजाक ही मजाक में पूछ लूंगा। तो आगे क्या होता है, प्रकट प्रकटम प्रकाशम, तो वो क्या होता है, प्रकट होते हैं, अभी तक तो वो सभा के साइड में बात कर रहे थे राम और विदूषक, अब वो क्या है, सभा में प्रकट होते हैं, की नामधेया,
युवयो जननी, यानी कि तुम दोनों की माता का नाम क्या है मुझे बताइए। तो आगे क्या होता है, अब लव बोलते हैं, ठीक है, लव क्या बोलते हैं, तस्या द्वे नामनी, यहाँ पे वे नहीं है द्वे है, ठीक है, अब याद रखिएगा, तस्या द्वे नामनी यानी उनके दो नाम हैं। अब क्या होता है, विदूषक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं कथमिप, अच्छा दो नाम है, कौन कौन से नाम है बताइए मुझे। तो आगे लव बोलते हैं तपोवन वासिनो देवी इति, यानी कि तपोवन में रहने वाली जितनी भी औरतें हैं वो क्या कहती हैं, देवी इति, वो हमारी माता को देवी के नाम से पुकारती हैं। यानी तपोवन में बहुत सारी स्त्री रहती होंगी, तो जितनी भी स्त्री हैं वो हमारी माता को किस नाम से जानती हैं, देवी नाम से जानती हैं, नामम अरयंती, देवी नाम से पुकारती हैं। किंतु भगवान वाल्मीकि वधु इति, लेकिन जो भगवान वाल्मीकि हैं वो हमारी माता को देवी नाम से पुकारते हैं। अब विदूषक तो नाम जानना चाहता था, लेकिन उन्होंने काफ़ी नॉर्मल नाम बता दिए, क्योंकि देवी हम किसी को भी बोल सकते हैं और साथ के साथ वधु भी हम किसी को भी बोल सकते हैं। तो राम जी अब क्या हो गए, और कन्फ्यूज़ हो गए, ये तो असली नाम बता ही नहीं रहे। तो जब असली नाम नहीं बताए तो क्या बोलते हैं राम, अपीचा इत तावत वयस्य बृहस्यता मुहूर्त मात्रम, यानी कि हे मित्र तो इधर आओ मेरे पास, इधर छड़वर के लिए आओ, तुम थोड़ा मेरे पास आ जाओ। यानी अब राम तो चकरा जाते हैं कि ये तो कुछ बता ही नहीं रहे, इन्होंने तो उल्टे सीधे नाम बता दिए, यानी कि ऐसे नॉर्मल नाम बता दिए, इससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आगे विदूषक उपसत्य आज्ञापयंतु भवान, यानी कि अप सत्य यानी कि होता है पास जाके, आज्ञा पयतु आदेश दें भवान, आप आदेश दें कि आगे क्या करना है, किस तरीके से पूछना है, क्योंकि ये दोनों तो अपनी माता का नाम बता ही नहीं रहे हैं। तो राम कहते हैं अपि कुमारियो अनियो अस्माक चा सर्वथा समरूप कुटुंब वृतानांत, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया देखिए कुमारियो, इन दोनों कुमार का और हमारा सर्वदा समरूप एकदम समान है। यानी कि अब क्या है, राम अपने मन में सोच रहे होते हैं कि इन दोनों कुमार का और हमारा फैमिली मैटर जो है एकदम समान है। एकदम समान क्यों है, वो इसलिए समान है कि इनके पिता ने भी इनकी माता को निष्कासित कर दिया था और मैंने भी सीता को निष्कासित कर दिया था। ये जो दो बच्चे हैं वो इनको इनकी माता निर्दयी के पुत्र कहती होगी, और जहाँ भी मेरे बच्चे होंगे उनको भी सीता क्या है, निर्दयी के पुत्र कहती होगी। यानी कि इनका फैमिली मैटर और हमारा फैमिली मैटर तो एक जैसा ही है। तो इस तरह वो सोच रहे होते हैं, तभी क्या होता है, नेपथ्य नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे से आवाज आती है। अब देखिए ये जो पूरा चल रहा है ना, एक ड्रामा चल रहा होता है किसी को दिखाने के लिए। तो ये इतनी वार्ता हो रही थी, स्टेज पर हो रही थी, और पीछे से आवाज आती है, क्या आवाज आती है, अब देखेंगे क्या आवाज आती है, यति वेला सज्जाता रामायण गानस्य निर्योग किमर्तना विधियते, यानी कि क्या हो गया हमारे यहाँ पर, यति वेला सज्जाता, इतना समय हो गया किसके लिए, रामायण गान के लिए, क्योंकि ये जो दोनों थे वो वाल्मीकि की आदेश पर रामायण का गान सुनाने के लिए आए थे, रामायण को सुनाने के लिए आए थे। तो नियोग कार्य किमर्थ ना विधियते, किस लिए नहीं किया जा रहा है। तो जो दूत था वो क्या कह रहा था कि इतना टाइम हो गया, तुम दोनों तो महल में जाके बैठ गए हो, बातें कर रहे हो, रामायण का गान का कार्य किस लिए नहीं किया जा रहा है। यानी वाल्मीकि का दूत भी लव कुश के साथ आया था, लेकिन लव और कुश तो महल में बैठ गए और बोलते जा रहे थे वाल्मीकि ने आपको किस लिए भेजा था। अब ये जो पीछे से आवाज आ रही है ना, वहां से वो बोलते हैं वाल्मीकि ने आपको किस लिए भेजा था, जो रामायण उन्होंने लिखा है उसे सुनाने को भेजा था, और आप लोग इतना टाइम लगा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, चलिए जल्दी जल्दी आप रामायण का गान चालू करिए, ऐसा दूत कहता है लव कुश से। आगे देखेंगे उभो राजन उपाध्याय दूत असमान
रति, यानी कि राजन तो खैर राजन ही हो गए हमारे यहाँ पर, वो बोलते हैं गुरु, गुरु का दूत हमें जल्दी कर रहा है, यानी कि जो गुरु ने हमारे लिए दूत भेजा था कि हम सही से काम करेंगे नहीं करेंगे, गाएंगे नहीं गाएंगे, वो जल्दी जल्दी कर रहा है हमारे से कि जल्दी करो जल्दी करो। राम कहते हैं मयापि सम्माननीय एव मुनि नियोग तद्धाहि। अब क्या है, राम जो है उस पॉइंट से भटक जाते हैं जो वो पता लगाना चाह रहे थे कि ये दोनों कौन हैं, इनकी डिटेल निकालना चाह रहे थे, वो अब इस बात को भूल जाते हैं क्योंकि अंत तक सस्पेंस बनाना था। तो राम अब क्या कहते हैं, राम कहते हैं मयापि, मेरे द्वारा भी सम्माननीय, क्या है सम्माननीय है, एवं मुनि नियोग, मुनि का जो कार्य है मेरे द्वारा भी सम्माननीय है, क्योंकि तथा ही, मतलब क्योंकि। आगे एक श्लोक गाया गया है जिसके माध्यम से वो बताएंगे क्यों सम्माननीय है। भवंतो गायंतो कवि कवीरपि पुराणो पुराण व्रतनिधि गिरा संदर्भ अय प्रथमम अव तीन वसुम तीन कथाचेय श्रीलाध्या सर सुरुहानाभ्य नियत पुनाति श्रोतार रमयति चा सय अय परिकर, यानी कि अब इसका हम क्या देखेंगे, अन्वय देखेंगे। तो आप अन्वय में देख सकते हैं इसी से जो है अन्वय बनाया गया है पूरा। भवंतो गायंतो, एक मिनट, जबकि भवंतो यहाँ से लिया गया, गायंतो पुराणो व्रतनिधि कवि अपि वसुमति तिम प्रथमम अवतीर्ण गिराम अय संदर्भ सर सिरुहनाभ्य सिच्चा यश्रनलाध्या कथा चह सह अय परिकर नियत श्रोतार पुनाति रमयती चा। अब हम क्या करेंगे, इनका मतलब समझते हुए चलेंगे। इसका मतलब क्या है हमारे यहाँ पर, भवंतो, भवंतो यानी क्या हो गया, आप दोनों के, गायंतो आप दोनों गाने वाले हैं, पुराणों पुराने प्रसिद्ध, व्रतनिधि तपस्वी तपोनिधि कवि हैं, यानी कि जो कवि ने लिखा है आप उन दोनों के गीतों को गाने वाले हैं, आप उन दोनों उनके गीत को गाने वाले हैं। अपि वसुमती धरती पर प्रथमम सबसे पहले अवतीर्ण जो अवतरित हुआ था जो प्रकट हुआ था, गिराम, गिराम का मतलब क्या हो गया हमारे यहाँ पर, यह वाणी यह काव्य जो धरती पर सबसे पहले प्रकट हुआ था, कौन सा रामायण, कौन सा काव्य, धरती पर जो पहला सबसे पहला काव्य है ना वो रामायण ही है। आया संदर्भ यह काव्य बना है सर सिरु हनाभ्यस्य कथा किसकी है, कमल की नाभि वाले विष्णु से संबंधित है, यानी कि जो रामायण में जो कथा है ना वो कमल की नाभि वाले विष्णु से संबंधित है। और आगे क्या होता है, चा यह सलाध्या कथा, यह कथा बहुत प्रसन्ननीय है। और आगे चा, चा मतलब वह, अय और यह परिकर परिवारजन नियत, नियत यानी कि निश्चित ही, श्रोतार पुनाति, पुनाति मतलब कि क्या हो गया हमारे यहाँ पे, पवित्र करने वाली, रमयती आनंदित करने वाली, यानी कि ओवरऑल वो बोलते हैं लव कुश गाने वाले हैं, तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि कवि हैं, धरती पर प्रथम बार अवतरित स्फुट वाणी का यह संदर्भ काव्य है और यह प्रशंसनीय कथा कमल नाभि विष्णु से संबंधित है, क्योंकि जो राम है वो किसके अवतार हैं, विष्णु के ही अवतार हैं, और यह परिवारजन निश्चय ही श्रोताओं को प्रवृत्त और आनंदित करेगी, ये सभी को आनंदित करेगी और सभी को शुद्ध करेगी। तो आगे राम बोलते हैं वयस्य अपूर्वस्य मानवाना सरस्वती अवतार, यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे वयस्य, वयस्य मतलब क्या हो गया हमारे यहाँ पर, दोस्तों मित्रों, अपूर्वस्य यूनिक यानी कि जो पहले कभी नहीं हुआ हो, मानवाना मनुष्यों का सरस्वती अवतार, सरस्वती के जो अवतार हैं ये दोनों बच्चे जो हैं सरस्वती का अवतार हैं, ठीक है। आगे ततः तो में सुहद्रजन, सुहद्रजन मतलब क्या हो गया हमारे यहाँ पर, जो नॉर्मल जनता है उनको भी श्रोतुम इच्छामि, मैं तो सुनना ही चाहता हूँ, मित्रों को भी सुनाना चाहता हूँ और जो जन साधारण है उसको भी मैं सुनाना चाहता हूँ, यानी जो जनता है मेरी ये इच्छा है कि वो भी तुम्हारे द्वारा इस वाणी को सुने, इस काव्य को सुने। आदि क्या होता है हमारे यहाँ पर, संदिग्धता सभासद प्रेषयताम अस्मत अंतिक सौमित्री
अहम अपि एतयोचरासन ब्रह्मरण कत्वा अपनयामि। यानी क्या हो गया, देखिए यहाँ इसका मतलब हम समझेंगे। पहले संधृत दियता सभासद, यानी सभासद समीप आ जाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी आवाज़ धीमी धीमी होगी, तो हो सकता है आपको सुनाई ना दे, सभी पास पास आ जाओ। जब कहते हैं ना माइक वगैरह नहीं हो तो पास पास आना चाहिए जिससे सभी आवाज़ सुन पाए। तो आगे प्रेषताम अस्मत अंतिक को भी हमारे पास बुलाओ। यानी कि क्या है, या सौमित्री, जो सौमित्री है ना वो कौन है, सुमित्री का बेटा यानी कि जो लक्ष्मण है उसको भी मेरे पास बुलाओ, यानी उसको भी सुननी चाहिए, उसको भी मेरे पास बुलाओ। अहम मैं अपि भी एतयो इन दोनों का चिरासन विहरण कृत्वा अपनयामि। यानी चिरासन का दुख दूर करने वाला हूँ, अर्थात ये जो बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, ये इतने दूर से जो सभा बैठी थी वो बैठी बैठी बोर हो रही थी, उनका दुख भी तभी दूर होगा जब ये दोनों रामायण की कथा सुनाएंगे, इनकी बोरियत भी समाप्त हो जाएगी। और अंत में इति निष्कांता सर्वे, सब निकलते हैं, रामायण का नाटक पूरा ख़त्म हो जाता है, पूरा ड्रामा ख़त्म हो जाता है, और ये चैप्टर का ड्रामा भी ख़त्म हो जाता है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। कोई भी डाउट होने पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं।